सब्सक्राइब कीजिए सुपर शिवानी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुपर शिवानी। आज हम बनाएंगे चॉकलेट के कुछ ऐसे डिज़ाइन जिन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है और आप इस डिज़ाइन से अपने केक को बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं। और इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस चॉकलेट के डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 100 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट और लेंगे 100 ग्राम मिल्क कंपाउंड चॉकलेट। सबसे पहले इस चॉकलेट को हम मेल्ट करेंगे। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। आज मैं इसे गैस पर मेल्ट करने वाली हूँ, वो भी डबल बॉयलर प्रोसेस से। चलिए इस चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। इसे मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि इसे मेल्ट करने में थोड़ी आसानी हो। इस चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक बोल में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसे गैस के ऊपर रखेंगे। गैस फ्लेम को ऑन करेंगे। पानी यहाँ पर हल्का बॉयल होने लगे तो हम गैस फ्लेम को यहाँ पर स्लो कर देंगे। पानी यहाँ पर हल्का बॉयल होना शुरू हो गया है, अब हम गैस फ्लेम को यहाँ पर स्लो कर देंगे और अब हम इस चॉकलेट वाले बोल को इसके ऊपर रखेंगे। इसके बाद इस चॉकलेट को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आप इस चॉकलेट को डायरेक्ट फ्लेम पर मेल्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये जल सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चॉकलेट हल्की मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हम इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। इसे हम ऐसे चलाते हुए अच्छे से मेल्ट कर लेना है। इसे कैसे माइक्रोवेव में मेल्ट करते हैं उसे भी मैंने पहले बताया है। आपको इसे मेल्ट करने के लिए जो भी प्रोसेस इजी लगे आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी चॉकलेट यहाँ पर ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। मिल्क कंपाउंड ऐड करने से यहाँ पर टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही परफेक्ट आता है, इसलिए मैं दोनों चॉकलेट का यहाँ पर इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप यहाँ पर केवल डार्क कंपाउंड चॉकलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। आज हम इस मेल्टेड चॉकलेट से केक के कुछ डेकोरेशन के डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहला डिज़ाइन मैं पत्तियों से बनाने वाली हूँ। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके की लीव ले सकते हैं। मैंने इन पत्तियों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इनसे डिज़ाइन बनाएंगे जो कि हमारे केक के डेकोरेशन में बहुत ही काम आने वाला है। इसके लिए इस मेल्टेड चॉकलेट में हम इन लीव्स को डालेंगे। इसके बाद इसमें हम एक साइड से इसमें चॉकलेट को कोट करेंगे और फिर उसके बाद इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद इसे हम बटर पेपर के ऊपर रखेंगे। और इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। हमारी चॉकलेट यहाँ पर अच्छे से सेट हो गई है। अब हम लीव से चॉकलेट की लेयर को बाहर निकाल लेंगे। ध्यान रहे इस प्रोसेस को हमें यहाँ पर बहुत ही ध्यान से करना होगा, नहीं हमारी चॉकलेट यहाँ पर टूट भी सकती है। आपने देखा है इसे बनाना कितना आसान है। आप देख सकते हो कितने सुंदर ये डिजाइन लग रहे हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अक्सर लेकर आती रहती हूँ। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है सुपर शिवानी और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शिवानी सुपर। तो मुझे ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल सुपर शिवानी को सब्सक्राइब करें और अपनी फेवरेट रेसिपी देखने के लिए वीडियो लिंक्स पर क्लिक करें।